हेलो भाई, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोग जो हैं बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी परीक्षा कब होगी, बात क्या चल रहा है, और जो मुझे जानकारी मिली है उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी लोगों को सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी की मैथमेटिक्स और टीजीटी की साइंस की सॉल्व और प्रैक्टिस पेपर के बारे में। हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं एसटी पब्लिकेशन की टीजीटी मैथमेटिक्स और साइंस की जो है प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर यहां पर दिया गया है। और जो प्रैक्टिस पेपर है वो 1999 से लेकर के अब तक जितने भी परीक्षा हुए हैं आप यहां देख सकते हैं, 99 से लेकर 2021 तक हर एक चीज इसमें जो है बहुत ही डिटेल में दिया गया है। आप इनको आप अच्छे से देख सकते हैं, 1700 से ज्यादा जो है इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और जितनी भी परीक्षाएं 99 से लेकर 2021 तक यहां पर चीजें दी गई हैं। मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट का बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये जो बुक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जाकर इसको आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही मैथमेटिक्स की बुक है ये भी, जो है आपका 2001 से लेकर के 2021 तक ये है बेहतरीन सॉल्व और प्रैक्टिस सेट है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए उनकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और मार्केट में जो है ये बुक इस समय बहुत तेजी से चल रही है, तो आप भी जाकर ले सकते हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है मैथमेटिक्स की और साइंस की, एसडी पब्लिकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बता दें, ये सुबह के मॉर्निंग अपडेट में मैंने इसके बारे में बताया था कि 12 जिलों से परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। फिलहाल ये तो न्यूज़पेपर के माध्यम से है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देता हूं जो यहां पर इन्होंने 12 जिलों से जो है मांगा है। यहां पर आप देख लीजिए, डॉक्टर अंजना गोयल इसकी प्रेषक है और माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक, यानी जो 12 के जो है, ठीक है, 12 जो आपके जिले हैं वहां से मांगा गया है परीक्षा सेंटर के बारे में। यहां पर सारी चीजें लिखी गई हैं और नीचे आपको यहां पर प्रारूप दिया गया है किस प्रारूप में आपको भेजना है। डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर नेम इन इंग्लिश, सेंटर फुल एड्रेस इन इंग्लिश, सब कुछ जो है पूरा प्रारूप यहां पर जो है डॉक्टर अंजना गोयल सचिव जो हैं उनके द्वारा यहां पर जो है चीजों के मांगा गया है। हम बात करते हैं कि यहां पर परीक्षा आपकी कब तक होगी, किस महीने होगी। मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि परीक्षा इस महीने होगी, तो आपको हम बता दें जो यहां पर 12 जो जिले हैं यहां पर जो परीक्षा के बारे में जो मांग की गई है वो मांग की गई है नवंबर के महीने में। ठीक है कि नवंबर के महीने में जो है आप परीक्षा करवाइए और आपका नवंबर में खाली है कि नहीं खाली है, इन सभी चीजों पर जो है चर्चाएं यहां पर चल रही हैं। तो प्रारूप जैसे ही यहां पर आएगी तो नवंबर की जो भी तारीख खाली होगी उस तारीख में आपकी परीक्षा की जाएगी। जो यहां पर मुझे जो पता लगा है वो यही पता लगा है कि नवंबर के महीने में जो है सारे के सारे जो सेंटर हैं वो देखा जा रहा है कि खाली है कि नहीं खाली है। तो समय बिल्कुल ही कम है, आप लोगों को पता होगा कि अब जो है अगस्त आपका खत्म हो चुका है, सितंबर और अक्टूबर ये दो महीने ही सिर्फ आपके पास जो है बचे हुए हैं और इन्हीं दो महीने में आपको खूब अच्छे से तैयारी भी करनी है। समय वाकई में बहुत कम बचा है, दो महीने में आपको भी पता है अपने सब्जेक्ट पर कमांड पाना बहुत बड़ी बात है। आप लोग हालांकि पढ़ भी रहे होंगे पिछले बहुत दिनों से, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि सिर्फ मात्र दो महीने का समय आपका बचा है, क्योंकि नवंबर में आपकी परीक्षा हो जानी है। क्योंकि जिन सेंटरों के बारे में पूछा जा रहा है वो नवंबर की डेट को लेकर पूछा जा रहा है कि आपके यहां नवंबर में सेंटर खाली है या सेंटर नहीं खाली है। तो कुल मिलाकर यह है कि आपके पास अब समय कम बचा है, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है आप बिल्कुल आप सभी से फॉर्म भराकर और फिर वो सो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर सीधा ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है और आपके जो सेंटर है उस पर काम किया जा रहा है। समझ में आ गई बात, जैसे यहां पर सेंटर का मामला क्लियर हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगी, पहले तो आपको परीक्षा तिथि बताई जाएगी और उसके बाद में आपको जो है एडमिट कार्ड के बारे में सूचना मिल जाएगी कि एडमिट कार्ड आपको कब से डाउनलोड करना है। और एडमिट कार्ड जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके 8 से 10 दिन के बाद आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर चुपचाप सब बैठे हुए हैं, काम आपका चल रहा है, बस बहुत ही जल्द आपकी डेट जो है घोषित हो जाएगी। जो मैंने मुझे जो पता लगा वो यही लगा है कि नवंबर के महीने में आपकी जो परीक्षा है वो कराने पर जो है सेवा चयन बोर्ड जो है काम कर रहा है। तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।